जो रिश्ता है इससे भी ज़्यादा मजबूत रहे। तो जब तक सूरज और चांद होगा तब तक भूटान और इंडिया का रिलेशनशिप होते रहेगा। असम पोगा सरसको तिहिंग यल चुपिया चिरांग डिस्ट्रिक्ट डे सेलिब्रेशन महा इंदो भूटान हाथीसार दादगरी रे बार दिसम रे मेसा कते ओका लेका को मनाव किदा जलाबुन यल लगी। जो रिश्ता है इससे भी ज़्यादा मजबूत रहे। तो जब तक सूरज और चांद होगा तब तक भूटान और इंडिया का रिलेशनशिप होते रहेगा। उसी तरह से तो सूरज जब निकलता है बहुत सब उजाला कर देता है, ऐसे हमारे रिश्ते में उजाला ही उजाला होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आप सबको विनती करता है कि हम लोग को थोड़ा अभी जो नया कुछ बदलाव आया है वो बदलाव सब हमारा दोनों रिश्ते के लिए मजबूत करने के लिए है। तो उसको आप लोग सब अभी तक भी आप लोग सब ने बहुत अच्छा से वो उसको रेस्पेक्ट करके उसको माने रख के आप लोग ने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया है। इसी तरफ से फिर भी हम इधर से जाने से आगे भी आप लोग को वही विनती करता हूँ। और इधर युवा लोग आया है आज स्कूल का, तो युवा लोग को भी वही विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए ये भूटान और इंडिया का मकसद फ्यूचर तो आप लोग ही ले सकता है। तो इसीलिए आप लोग अभी से सोचना पड़ेगा कि भूटान और इंडिया का फ्रेंडशिप गहरा कैसे बना सकता है। तो हमारा तरफ से भी हम लोग का यूथ भी वही सोचता है। तो अभी जो हालत में हमारा दादगिरी में जो आया है अभी 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 भेद खुल के बहुत व्यापारी लोग बहुत आ रहे हैं। तो हमारा एक विनती है कि आप लोग युवा लोग के भी एक विनती है कि आप लोग आंखें खुल के रहे, वो कान खुला के रखे, क्योंकि इधर भी अभी कभी कभी मौसम बदला हुआ है, क्योंकि वो जो ड्रग्स और नशेले का धंधा आ रहा है तो वो बहुत गहरा है, तो उसमें बहुत नुकसान पड़ सकता है दोनों देश के लिए। तो इसीलिए आप लोग युवा लोग के भी तरफ से भी वो लोग आप लोग का जान पहचान होने से भी इधर VCDC का चेयरमैन लोग के इधर गाँव ब्यूरो लोग के उसके तरफ से भी हम लोग को इसी में हम लोग विनती करता है कि आप लोग के होशियार रहे तो हमारा तरफ भी सपोर्ट रहे, क्योंकि जब नशे आ जाएगा नशीली दवाई आ जाएगा वो सब ख़त्म कर देता है, देश को ही ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए हम लोग चाहता है कि ऐसे मौका ना आए जब भूटान और इंडिया दादगिरी में ऐसे नशीली दवाई से फैलकर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ रुकावट आ जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग को विनती करना चाहता हूँ हमारे भूटान इंडिया फ्रेंडशिप की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार आप लोग को सब मुबारक हो चिरंग देख के। सर अलग बुट करा क्या आखिर करेंगे सरकार तो? अब हम तो रास्ते तो सब आप लोग का तरफ है, हमारा हमारा तरफ तो विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता चाहता हूँ फर्स्टली मोदी जी और उसके ऊपर हेमंत विश्व जी के श्री हेमंत विश्व जी को और प्रमोद जी को ओ, हम लोग प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये रास्ता को अच्छा बनाए, क्योंकि ये रास्ता लाइफलाइन है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सब इधर दादगिरी चिरांग डिस्ट्रिक्ट के नागरिक के लिए ये रास्ता बहुत माना जाता है। तो इसी बहुत एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डेवलपमेंट तरक्की तो ऐसे आ जाएगा, प्रोग्रेस तो ऐसे आ जाएगा। इसीलिए मैं विनती करना चाहता हूँ कि मोदी जी सरकार के लिए और जैसे हेमंत बिश्वा जी के लिए और प्रमोद जी के लिए और BTC सब काउंसिल मेंबर लोग की एक रास्ता को आप लोग को प्रायोरिटी रख के एक योजना रख के जल्दी कर दीजिए, ऐसे विनती करना। आज चिरांग डिस्ट्रिक्ट का जन्मदिन बोल सकते हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट डे के अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? वही बोलना चाहता हूँ, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ वही है। तो वो जो आप लोग भी आप ये आप लोग का एनिवर्सरी है, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट डे का वो जन्मदिन है, तो जन्मदिन में हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, अपना बच्चा हो भी तो प्रार्थना कर जाते हैं उसके लिए उम्र बहुत लंबे रहो, कुछ बीमार नहीं हो। तो इसीलिए हम भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि चिरांग डिस्ट्रिक्ट के आदमी लोग को उसको लोग हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छे हो, तो हेल्थ और हैप्पीनेस होगा तो सब कुछ अपना आप चला के आएगा। तो वही बिजली का थैंक यू।